नमस्कार दोस्तों, पशुपालन एक लाभदायी व्यवसाय है। इस YouTube चैनल पर मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में मैं पशुपालन संबंधी नए नए वीडियो डालते रहता हूँ, जिसमें मैं घरेलू उपचार से लेकर कुछ पशुपालन संबंधी टिप्स भी देता हूँ, जो आपको काफ़ी फायदेमंद पड़ती है और आप आसानी से पशुपालन कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, देखते हैं आज का विषय। हमारा आज का विषय है बकरी ये हीट में नहीं आती, साइलेंट हीट इन गोट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं मेरा छोटा सा इंट्रो। सब्सक्राइब करें पशुपालन एक लाभदायी व्यवसाय चैनल को और दबाइए बेल का बटन, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने जो प्यार मेरे इस YouTube चैनल को दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। भविष्य में इसी तरह आपका सपोर्ट और प्यार इस चैनल को मिलेगा, यह आशा रखता हूँ। दोस्तों, मुझे मेरे पिछले कुछ वीडियो में बहुत सारे भाइयों ने कमेंट्स में एक सवाल किया था कि उनकी बकरियाँ हीट में नहीं आती। आज इसी विषय में ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करने हैं और ये वीडियो श्रृंखला में, यानी कि बकरी हीट पे आने की श्रृंखला में पहला वीडियो है। इस दूसरे वीडियो में बकरी में हीट में आने के लिए क्या उपचार करना चाहिए, मैं ये आपको बताने का प्रयास करूँगा। बकरी के हीट में आने को बकरी का मधकाल कहते हैं। इस वीडियो में हम हीट की जगह मधकाल का शब्द का उपयोग करेंगे। आशा करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं उस कमेंट्स में आपके परेशानी का हल, यानी आपका प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि बकरी प्रजनन ऋतु। यह बकरियों के बारे में एक तथ्य है कि कुछ मादाएँ साल भर मध चक्र का अनुभव करती है, अन्य केवल साल में कुछ महीनों के दौरान ही मध में आती है। नस्लें जो रेगिस्तान या भूमध्य रेखाओं के आसपास रहती है, वह गर्म मौसम में पैदा होती है। वह आमतौर पर मौसमी होती है, जिसका अर्थ है कि उनका मध चक्र साल भर का होता है। भारत में पाए जाने वाली सभी बकरियों का नस्लें साल भर मध का दिखा सकती है। यानी भारत जो है ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता है, तो यहाँ पे जो बकरियाँ पाई जाती है ये साल भर मध चक्र दिखा सकती है। प्रजनन के मौसम के दौरान बकरियाँ समय समय पर अपने मध काल में आती है। मध काल 2 से 3 दिन का हो सकता है। मध काल धीरे धीरे शुरू होता है, एक चोटी तक पहुँचता है और फिर कम हो जाता है। मध काल की चोटी के दौरान जो स्थायी मध काल के रूप में जाना जाता है, बकरे कुदरतन बकरी की ओर आकर्षित होते हैं। बकरी को बकरे से मेटिंग कराने से उसे उनके गर्भवती होने के ज़्यादा संभावना इसी समय होती है। यानी बकरी जब पीक पर होती है तभी बकरे को मेटिंग करना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी कंफर्म हो। एक मध्यकाल की शुरुआत और अगले की शुरुआत के बीच का समय को मध्यकाल का चक्र कहा जाता है। अलग अलग बकरियों के अलग अलग मध्यकाल चक्र होते हैं। एक बकरी का मध्यकाल 17 से 25 दिनों तक कभी भी हो सकता है, जिसमें 19 दिन सामान्य होते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने बेसिक जानकारी देखी है, तो हम आगे देखेंगे कि बकरी हीट में है या नहीं, ये कैसे पहचाने। दोस्तों, मध्यकाल यानी हीट के लक्षण। कुछ बकरियां का मध्यकाल बहुत कम यानी कोई संकेत नहीं दिखाती। इस घटना को मुख मध्यकाल यानी साइलेंट हीट के रूप में जाना जाता है। बकरियां जब अपने मध्यकाल में होती है तब कुछ लक्षण दिखाती है। सभी बकरियां अलग अलग लक्षण दिखाती है, हमें उन लक्षणों को पहचानना है, ताकि हम सही समय को चुनाव कर बकरियों के साथ बकरियों को छोड़ सके। आगे हम कुछ बकरियों का मध्यकाल लक्षण के बारे में जानेंगे, और मैं सभी दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो आखिर तक देखें, सारे लक्षण ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े, ताकि आपको भी बकरियाँ हीट में आई है कि नहीं ये पहचानने में आसानी हो। तो सबसे पहला एक लक्षण होता है कि बकरियों के आवाज़ में बदल। ज़्यादातर बकरियाँ ज़्यादा शोर नहीं करती, लेकिन मध्यकाल में बकरियाँ सामान्य से अधिक आवाज़ निकालती है, यानी चीखती है। कोई बकरी मध्यकाल में आती है तो बकरा मौजूद नहीं होता है, तो वो लगातार आवाज़ निकालती है। यह सबसे आसान तरीका है बकरी मध्यकाल में है ये पहचानने का, यानी बकरियाँ सामान्य तौर से ज़्यादा आवाज़ निकालती है, और इससे हम पहचान सकते हैं कि बकरी मध्यकाल में यानी हीट में आई है। और दूसरा लक्षण है बकरी का उसकी पूंछ का बार बार हिलाना।
मध्यकाल में एक बकरी आमतौर पर एक कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिलाती है। यह व्यवहार मध्यकाल के संकेत के रूप में जाना जाता है। जब वह सामान्य स्थिति में होगी तो उसकी पूंछ को आपको छूने देगी, मगर मध्यकाल में वह पूंछ को आपको छूने भी नहीं देगी। पूंछ हिलाना बकरों के लिए एक संकेत है कि बकरी मध्यकाल में आई है। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करना होता है बकरियों के, ताकि हमें पता चले कि बकरी हीट में या नहीं है। हम आमतौर पर बकरी जब हीट में होती है तब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, या फिर उसकी तरफ बकरा नहीं लेके जाते, और हम बाद में कहते हैं कि बकरी हीट में नहीं आ रही है, बकरी प्रेग्नेंट में हो रही है। तो हमें सही समय को पिक करना है ताकि बकरी प्रेग्नेंट हो सके। तीसरा लक्षण है, बकरियों का व्यक्तित्व में बदलता है। हार्मोन के उत्तेजित करने से बकरी का व्यक्तित्व को बदल हो सकता है। आमतौर पर विनम्र बकरी दूसरी बकरी के प्रति आक्रामक हो सकती है, और बकरी की तरह दूसरे बकरियों पर मेटिंग करने के ढंग से चढ़ भी सकती है। यानी बकरी के व्यवहार में अचानक बदलाव हो जाता है, वह काफ़ी आक्रामक होती है और बकरे की तरह दूसरे बकरी पर मेटिंग की भावभंगिमा अपना कर चढ़ने का प्रयास करती है। चौथा लक्षण है, उसकी पूंछ चिपचिपी हो जाती है। बकरी की पूंछ के नीचे का क्षेत्र लाल, सूजन और गीले की तरह दिखता है। बकरी के योनि से हो रहे द्रव के रिसाव के कारण पूंछ चिपचिपी हो जाती है। योनि डिस्चार्ज की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है पूंछ के किनारों पर के बाल नमी या गुंते हुए दिखाई देते हैं। और पांचवा लक्षण है, बकरी अक्सर पेशाब करती है। बकरियों के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि मध्यकाल में बकरियां आमतौर पर सामान्य से अधिक बार मूत्र विसर्जन करती है। मध्यकाल बकरी के पेशाब में रासायनिक पदार्थ यानी फेरोमोन होते हैं, जो प्रजनन के लिए तैयार है ऐसा संकेत बकरे को देते हैं। यदि एक बकरा मौजूद है तो वह अपनी नाक को मूत्र के प्रवाह में रखेगा और उसके बाद अपना सिर उठाएगा और उसके ऊपरी होंठ को एक अच्छा झटका पाने के लिए घुमाएगा। तो ये कुदरतन एक प्रोसीजर है कि जो बकरा आमतौर पर बकरी मद में है या नहीं ये पहचानने का एक आसान और कुदरतन तरीका होता है। छठा लक्षण है, बकरी के व्यवहार में बदलाव आता है। जब एक बकरी मध्यकाल में आती है, जब वह बकरे के साथ होती है तो बकरा उसमें दिलचस्पी दिखाता है। बकरी हीट में आने वाली है ये संकेत होता है। बकरा अपने मुंह बार बार बकरी के योनि की तरफ करेगा, जमीन खुरचनी करेगा, अपने चेहरे पर पेशाब करेगा और अन्यथा मूर्ख जैसे कार्य करेगा। यानी जिस तरह बकरी के लक्षण दिखाई देंगे उसी तरह बकरे के भी व्यवहार में बदलाव आता है, और ये चीज़ें हमें पहचाननी चाहिए, जाननी चाहिए। सातवां लक्षण होता है कि बकरी का संभोग के लिए खड़ा होना। अगर बकरी अपने पूरे मध्यकाल में नहीं है तो वह बकरे को पास तो आने देगी, मगर संभोग के लिए अपने पर चढ़ने नहीं देगी। अगर बकरा फिर भी चढ़ने की कोशिश करता है तो वह बार बार आगे की ओर जाएगी। अगर बकरी पूरे मध्यकाल में होगी तभी वो बकरे को संभोग करने देगी। तो दोस्तों, ऐसे कुछ लक्षण होते हैं कि जो हमें आमतौर पर पहचानना चाहिए। हम होता क्या है कि जब बकरी हीट में होती है तब हम उसे बकरे के पास नहीं लेके जाते, या फिर बकरा उनके पास नहीं लेके आते। परिणाम स्वरूप जब क्या होता है कि हीट साइकिल निकलने के बाद जब बकरी हीट में नहीं होती है और बकरा हम जब लेके आते हैं तो बकरी उसको आपस में आने देती, या फिर बकरा भी उसमें इंटरेस्ट नहीं देता। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बहुत बड़ा लंबा गैप पड़ जाता है और हम कहते हैं कि बकरी हीट में नहीं आ रही। तो दोस्तों, ये एक कुदरतन प्रक्रिया है। मैं तो ये चाहूँगा कि आमतौर पर बकरे को बकरी के पास ही रखें, ताकि वो या फिर बकरी आसानी से हीट काल को पहचान सके। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आपके जो कुछ भी सवाल होंगे ये ज़रूर पूछें, और मैं इस सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब करें। आप लाइक तो बहुत कर रहे हो लेकिन सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हो, तो प्लीज़ कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब करें।